जमशेदपुर से बड़ी खबर है, जहां पर 5 मंजिला इमारत में दरार आई है। 5 मंजिला इमारत एक तरफ झुक गई है। इमारत में कौशल विकास केंद्र संचालित होता है। 250 से ज्यादा छात्र इमारत में फंस गए हैं। आपको बता दें, सभी छात्रों को एक एक कर निकालने का काम जारी है। 5 मंजिला इमारत में दरार आने की खबर सामने आई है। आप ये तस्वीरें भी देख सकते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। बच्चा लोग बोला कि सर ये बिल्डिंग थोड़ा हिल रहा है, तो हम पहले उन लोगों को क्या किए कि सबको निकाल के दूसरे जगह शिफ्ट करा दिए। उसके बाद बिल्डिंग को देखा गया तो बिल्डिंग नियर अबाउट 2-3 फुट करीब टिल्ट किया हुआ है। एज ऑन डेट उसी कंडीशन में है जो 9 बजे था, अभी 11 बज रहा है, सेम कंडीशन में है। बट लेकिन हम अपना डिसीजन किए कि अगर जो भी होगा फिर देख के इसका डिसीजन करके इसको डिसमेल्टिंग कर दिया जाएगा। और तमाम जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता आशीष जुड़ गए हैं। आशीष, आपसे अपडेट लेना चाहेंगे, चूंकि 250 छात्र। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। इस इमारत में फंसे होने की बात सामने आई थी, चूंकि ये रात का मामला है, अब क्या कुछ अपडेट है? जी अंजलि, सबसे पहले आपको बता दूं कि जमशेदपुर शहर में एक बड़ा हादसा होते होते फैल गया, जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास केंद्र संचालित एक भवन थी, जहां 5 मंजिला ये भवन में अचानक दरार आ गई। उसके बाद एक बिल्डिंग जो है वो एक झुक गया। उसके बाद जो उसमें छात्र छात्राएं 250 छात्र छात्राएं फंस गए और उनको काफी उन लोगों में सनसनी फैल गई, जिसके बाद जिला प्रशासन की मदद से और स्थानीय लोगों की मदद से देर रात सभी को सुरक्षित वहां से निकाल लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा होकर टल गया। आपको बता दूं कि जब से ही ये घटना सामने आई है, उसके बाद वो पूरे इलाके में पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आसपास के बिल्डिंगों को भी खाली करा दिया गया है और कहीं ना कहीं जैसे बिल्डिंग में दरार आई है उसको जिला प्रशासन की ओर से जैसा निर्देश आएगा। बिल्कुल आशीष, और ये राहत वाली बात है कि सभी छात्रों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। 5 मंजिला इमारत में दरार आई है। 5 मंजिला इमारत एक तरफ झुक गई है। इमारत में कौशल विकास केंद्र संचालित होता है। 250 से ज्यादा छात्र इमारत में फंस गए हैं। आपको बता दें, सभी छात्रों को एक एक कर निकालने का काम जारी है। 5 मंजिला इमारत में दरार आने की खबर सामने आई है। आप ये तस्वीरें भी देख सकते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। और तमाम जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता आशीष जुड़ गए हैं। आशीष, आपसे अपडेट लेना चाहेंगे, चूंकि 250 छात्र इस इमारत में फंसे होने की बात सामने आई थी, चूंकि ये रात का मामला है, अब क्या कुछ अपडेट है? जी अंजलि, सबसे पहले आपको बता दूं कि जमशेदपुर शहर में एक बड़ा हादसा होते होते फैल गया, जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास केंद्र संचालित एक भवन थी, जहां 5 मंजिला ये भवन में अचानक दरार आ गई। उसके बाद एक बिल्डिंग जो है वो एक झुक गया। उसके बाद जो उसमें छात्र छात्राएं 250 छात्र छात्राएं फंस गए और उनको काफी उन लोगों में सनसनी फैल गई, जिसके बाद जिला प्रशासन की मदद से और स्थानीय लोगों की मदद से देर रात सभी को सुरक्षित वहां से निकाल लिया गया, जिससे एक बड़ा हादसा होकर टल गया। आपको बता दूं कि जब से ही ये घटना सामने आई है, उसके बाद वो पूरे इलाके में पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। आसपास के बिल्डिंगों को भी खाली करा दिया गया है और कहीं ना कहीं जैसे बिल्डिंग में दरार आई है उसको जिला प्रशासन की ओर से जैसा निर्देश आएगा। बिल्कुल आशीष, और ये राहत वाली बात है कि सभी छात्रों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।